हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्य और आप सभी का हमारे रॉक सेटी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज कुछ मैं इस टाइप्स का डेविल डार्क फोटो एडिट करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये घोस्ट आइडियाज को जैसे ये पकड़ा है हाथ में, ऐसे ही दिख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तरफ से आप सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सेट एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हूँ। इसमें आने के बाद पड़ेगा आप जो भी फोटो एडिट करना चाहते हो उसी फोटो को पिक्सेट एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको चाहिए तो इस वाली बैकग्राउंड को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप आराम से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या कर लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें जो दिख रहा है इफेक्ट्स में चला जाना है। ये दिख रहा है ब्लर में जाके ब्लर कर देना है। ठीक है, अपने फोटो को ब्लर कर देना है, कुछ इतना अमाउंट रखना है। ठीक है, उसके बाद इरेजर टूल सिलेक्ट करना है, सिर्फ इतना ही हिस्सा ब्लर जो हुआ था उसको ही हटा लेना है। ठीक है, देख सकते गाइस मैं कैसे हटा रहा हूँ, ऐसे ही कुछ हटा लेना है। उसके बाद राइट डन कर लेना है। ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं मैं राइट डन कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली आपको क्या कर लेना पड़ेगा गाइस, फिर से चला जाना है ऐड फोटो में। गाइस ये घोस्ट राइडर पीएनजी को ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस टाइप का ऐड कर लेना है, उसका ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देख लेना है। उसके बाद इरेज टूल सिलेक्ट करना, ऐसे ही इरेज कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का रख के इरेज कर लेना है, जैसे कि हाथ में पकड़े हैं ऐसे ही, जैसे रियल लगेगा ऐसे ही एडिट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेना है, जितना हिस्सा है उसको फिलअप कर लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं मैं फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली आपको क्या कर लेना है, राइट टर्न कर लेना है। ठीक है, ये मैं राइट टर्न कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं जैसे कि हाथ में पकड़े हैं ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेना है, फिर से चला जाना है ऐड फोटो में, ये कैंडल वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का मैं रख के ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि हाथ में जल रहा है ऐसे दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप का रख देना है, उसके बाद फिर से उसका डुप्लीकेट बनाना है। ठीक है, मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद राइट टर्न कर लेना है, ये मैं राइट टर्न कर लिया हूँ। उसके बाद क्या कर लेना पड़ेगा आपको गाइस, सिंपली फिर से चला जाना है ऐड फोटो में, ये दो पीएनजी को ऐड कर लेना है। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का ऐड करना है। आपको क्या कर लेना पड़ेगा गाइस, आपको फिर से चला जाना है ब्लेंड में जाके स्क्रीन कर देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का रखना, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद इरेजर टूल सिलेक्ट करना, उसको इन्वर्ट कर देना, कुछ ऐसे ही रखना है। ठीक है, जैसे कि आग निकल रहे ऐसे ही दिखे। ठीक है, उसके बाद राइट डन कर लेना है, फिर से दूसरा वाला पीएनजी को लेना है, सेम प्रोसेस है, उस ब्लेंड में चला जाना, स्क्रीन कर देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का रख देना है। ठीक है, इरेजर टूल सिलेक्ट करना, इन्वर्ट कर देना है, लेना चाहते हो उतना ही सा ले लेना है। ठीक है, जैसे कि रियल लगे फेक ना लगे ऐसे ही एडिट करना है। उसके बाद सिंपली राइट टर्न कर लेना है। ये गाइस देख सकते हैं मैं राइट टर्न कर लिया हूँ। आपको क्या कर लेना पड़ेगा, चला जाना है ड्रॉ टूल में जाकर फोटो को सेव कर लेना है। अभी जाएंगे हम लाइट रूम एप्लीकेशन में सबसे अच्छा कलर ग्रेडिंग होता है, चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। गाइस ये देख सकते हैं मैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हूँ। इसमें जो भी कलर ग्रेडिंग करूँगा आप ध्यान देकर देखना है। ठीक है, मैं क्या कर लेना गाइस, मैं कुछ प्रीसेट यूज़ करने वाला हूँ, ये खुद की प्रीसेट है, मैं उसका प्रीसेट को कॉपी कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस मैं कॉपी कर लेता हूँ। गाइस कॉपी सेटिंग दिखा रहा है, सिंपली चला जाना है जो भी फ़ोटो एड किए थे उसी फ़ोटो के ऊपर चला जाना है, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना, उसके बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये गाइस देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा फोटो जो है।
गाइस ऐसे ही कुछ करके आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, इसने भी जो कुछ भी सेटिंग किया था ये भी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे ही सेटिंग किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक कलर में मैं टच करके भी दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग हुआ था। ये गाइस देख सकते हैं, आप भी ऐसे अपने फ़ोटो को। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे। जय जगन्नाथ।